बजाओ बजाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आई हुई हूँ घर में और मैंने यहाँ कुल हमारे इष्ट देवता के दर्शन किए। हमारे इष्ट हैं हंसकर देवता। तो दोस्तों मैंने घर में खाना पीना बनाया, फिर मॉर्निंग टाइम पे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मेरा खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, देखिए आप। आग में पकाया हुआ खाना वैसे भी बहुत टेस्टी होता है। गांव घरों में ज़्यादातर लोग आग में ही पका के खाते हैं। मेरा ससुराल पड़ता है भागी चौरा में, डिडियाट ओगला, ओगला से 10 किलोमीटर अंदर को पड़ता है। देखिए आग में पकाया हुआ बहुत ही टेस्टी होता है। घर में गैस भी रखी हुई है, पर गैस में किसी समय चाय बनती है और बाकी टाइम लकड़ी से ही खाना बनाया जाता है, आग जला के ही पकाया जाता है। वैसे बोलते हैं आग में पकाया हुआ खाना बहुत अच्छा होता है और लोहे की कढ़ाई का तो बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। ये दादू के बिस्तर में सोए हैं। दादू लोग आजकल घर आए हुए हैं, दादा दादी दोनों घर आए हैं क्योंकि वहाँ को गर्मी हो रही थी तो हम लोग घर आए हुए थे। घर में दादी को खाने पीने की चीज़ें मांग रही है बेटी मेरी। और मॉर्निंग टाइम पे मैंने ये गाय भैंस सब इन सब की वीडियो बनाई। ये हमारा घर है, ये देखिए। ये मेरे चचेरे जिठानी लोगों के गाय बच्चे हैं, उन लोगों ने पाल रखे हैं। हम लोगों का तो आजकल कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आते हैं घर में रहने के लिए आते हैं। सर्दियों में गर्मियों में सर्दी ज़्यादा पड़ती है तब भी आते हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तब भी आते हैं। देखिए गाँव में ये सब देख के अच्छा लगता है। ये हमारा घर है, ये देखिए। यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है। ये जेठानी लोगों की भैंस है, गाय भी उनकी है। मेरी बेटी को ये गाय बकरी बहुत पसंद है, इनके पीछे लगी रहती है। जब भी घर आती है इनके साथ ही खेलने में रहती है। ये बकरियों के साथ खेल रही है तो बकरियां भी इसको बड़े प्यार से देख रहे हैं। देखिए मेरे गांव का व्यू सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। ये है हमारा घर। इस घर को हो गए हैं 50 साल लगभग, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए। ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने इष्ट देव के मंदिर में। हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, पूजा पाठ करी। पंडित आए हुए थे, पंडित जी से पूजा करवाई। उसके बाद पंडित जी चले गए थे, अभी शटर लगे हुए हैं। जैसे पंडित जी गए उसके बाद हम लोगों ने वीडियो बनानी स्टार्ट करी। अच्छे से पूजा पाठ करी हम लोगों ने, मैं और मेरी बेटियां दोनों गए थे मंदिर में। ये है मेरी छोटी बेटी और घर को बड़ी बेटी है, ये वाली बड़ी बेटी है। हम लोगों ने पूजा पाठ करी और झूला भी झूले। यहाँ साइड में झूला भी लगा हुआ है, ये साइड को झूला लगा हुआ है, ये देखिए झूला।
तो जाओ जाओ। मंदिर के पीछे साइड कोई झूला लगा हुआ है, तो बच्चों ने और मैंने सबने बारी बारी से झूला झूला। इसमें बच्चे बहुत खुश हो गए थे झूला देख के, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पार्कों में ही झूला दिखता था इनको। मंदिर में जब झूला दिखा तो बहुत ही खुश हो गए। कम से कम आधे पौन घंटा हम लोगों ने सबने बारी बारी से झूला झूला इसमें। ये हमारे दो तीन गांव हैं, पंडितों के गांव हैं और ठाकुरों के गांव हैं, तो उन सब के इष्ट देव ये उनकर देवता ही हैं। तो सब लोग मिलजुल के यहाँ जो भी सामग्री लगानी होती है सब तीनों गांव मिल के लगाते हैं। देखिए मेरी भाई आई झूलने की, मैं झूल रही हूँ। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, अच्छा लगा मुझे भी। पीछे से ऑटो ऑटो मुझे डर लग रही है, लड़की को भी जल लग जाएगी। क्या करूँ मैं इसको? फिर बोलोगे मेरी फोटो में ऐसी हंसी आ रही थी। मंदिर में झूलने के बाद हम लोग घर आ गए थे। फिर ये देखिए हमारी भतीजे की बेटी है, कितनी क्यूट है, इतनी शांत स्वभाव की है। 8 महीने की बच्ची है ये, लेकिन बहुत शांत है, क्यूट सी। ये शाम का वीडियो है, दूसरे दिन हम चले गए थे यहाँ से। ये दूसरे दिन हमारे ये जाते टाइम का वीडियो है, जब मैं घर से वापस आ रही थी। ये भतीजे का एक कुत्ता है, हम लोगों ने पाला है, छोटा कुत्ता है, अभी 8 महीने 6 महीने का है लगभग। ये हम रोड पर रखे हैं, यहीं पे से गाड़ी आने वाली है अभी। ये वहीं का मंदिर है जहाँ पे कल आए थे, वही मंदिर है। ये रोड में से ऊपर हमारा घर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वाइट वाइट का दिख रहा है, ये सिंगल ये वाला, ये हमारा ही घर है। दूर से ऐसे दिखता है, दूर से क्या, रोड मतलब हमारे घर से थोड़ा ही दूर है रोड, यहीं पे नज़दीक में है, 5 मिनट का रास्ता है। ये कल यहीं पे आए थे हम पूजा के लिए, ये वही झूला है जिसमें हम कल झूल रहे थे। ये मेरे सासू मोम है, रोड में पहुंचाने आए थे हमको। ये मेरा भतीजा है, ये उनका कुत्ता है, ये मेरा भतीजा है, मेरी बेटी को पकड़ रखा है इसने, मेरी दोनों बेटियां हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, बाय बाय। अब गाड़ी आ गई है हमारी,